चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है, किसान दिवस है और एक खुशी का अवसर है। मैं शुभकामनाएं देता हूं देश के सभी उन लोगों को जो चौधरी साहब को मानते हैं। आज एक तारीख है जो हम याद करें, चौधरी चरण सिंह जी के जीवन से प्रेरणा लें, उनके संघर्षों से और उनके विचारों को आगे बढ़ाएं। कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चन मेरे पास हैं। पीएम मोदी कह रहे हैं कि अब की बार 50% वोट पार बीजेपी मीटिंग में उन्होंने कहा 2024 के लिए, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, अभी चुनाव दूर है, चुनाव के पहले इन्हें कैसे पता लग जाता है, कौन इन्हें पर्ची पकड़ाता है या ये कोई पर्ची चुनाव आयोग को पकड़ाते हैं, मुझे नहीं मालूम। अब जनता देखे इस बात को। संयुक्त राज्य अमेरिका में खालिस्तानी आतंकवादियों ने एक स्वामीनारायण मंदिर पर निशाना बनाया है, तो आपका इस पर क्या कहना है? वहाँ पर तोड़फोड़ वगैरह कर दी गई है। नहीं तो घटिया काम है, इस तरह का काम हुआ है। और मैं अपने देश में भी जो आतंकवादी हमला हो रहा है और जो हमारे जवान शहीद है उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि दे। जो अभी हाल ही में संसद में जी पूंछ में हुआ जी, मैं उस घटना के संबंध में जी, अभी जो हाल ही में संसद में जो हुआ उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से कल विपक्षी जो सांसद है वो एकजुट हुए। अब प्रहलाद जोशी ये कह रहे हैं कि विपक्षी सांसदों को तख्तियां लाने के लिए राहुल गांधी मजबूर कर रहे हैं, तो पूरे मामले पर एक बार अपनी प्रतिक्रिया भी आप दे दीजिए। मजबूर तो इसलिए हो पा रहे हैं कि जो संवाद वहां होना चाहिए, जो अवसर मिलना चाहिए, ये कोई साधारण घटना नहीं है। इस बात को छोड़ दीजिए कि जो अंदर घुसे थे उनकी मंशा क्या थी, आप उस बात को छोड़ दीजिए। सवाल ये है कि जब वो अंदर आए थे उनके उसमें और भी चीज हो सकती थी, तो सुरक्षा चूक को लेकर एक सवाल बनता है। उस सवाल पे हम चर्चा सदन में करना चाहते हैं, सरकार उस चर्चा से बच रही है। तो ऐसा नहीं होता, लोकतंत्र में सदन में विपक्ष को ज्यादा हक मिलना चाहिए। संसद के अंदर क्या एजेंडा होगा इसको तय करने का हक विपक्ष को दिया जाना चाहिए और यही जो है एक लोकतंत्र की परंपरा और संस्कार रहे। पूर्व में हमने देखा था सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा है आप देख रहे हैं बजरंग पुनिया वाला, जैसे कि कल उन्होंने अपना अवार्ड जो है वो वापस कर दिया। साक्षी मलिक को हमने देखा, ब्रजभूषण शरण सिंह, पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिए। देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हानि पहुंची है, सभी खिलाड़ियों के मनोबल पे प्रभाव पड़ता है ऐसे चीजों का। चुनाव हुआ है लेकिन चुनाव पे अगर वही लोग काबिज हुए हैं उससे एक मायूसी बनी है, क्योंकि उन लोगों के खिलाफ इन्होंने लगातार शिकायतें की, संघर्ष किया, दिल्ली के सड़कों पर उनको किस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनको घसीटा गया राजधानी में, और इस सब के बावजूद सत्ताधारी लोग मौन रहे और बल्कि खुल के ब्रजभूषण शरण को ही का बचाव के लिए पूरी भाजपा और पूरी सरकार लगी रही। तो उस परिणाम का नतीजा है कि एक उन्होंने धैर्य खो दिया, साक्षी ने अपना धैर्य खो दिया और ऐसा निर्णय उन्होंने लिया है। मैं उनको ये कहूंगा कि आप हिम्मत रखें, धैर्य रखें और आगे आपकी लड़ाई जारी रहेगी जब तक न्याय नहीं मिलता सब लोगों के साथ। ये ईडी वाले मसले को आप कैसे देखते हैं? अरविंद केजरीवाल को तीसरा समन मिल गया है, हालांकि अभी संजय सिंह को तो जमानत नहीं मिली, क्योंकि आप लगातार पॉलिटिकली, ये पहली बार हुआ है। देखो, खोट तो सब में होते हैं और सभी पार्टियों में सब तरह के लोग होते हैं, कोशिश होती है कि एक नैतिकता की हम बात करते हैं सार्वजनिक जीवन में तो उसका पालन हो, लेकिन पहली बार हो रहा है कि सत्ताधारी पार्टी बिल्कुल पाक साफ है और जो कोई सत्ता छोड़ के अगर विपक्ष में चला जाए गलती से और चुनाव लड़ जाए तो तुरंत वो घेरे में आ जाता है। बस राम मंदिर को लेकर मैं जरूर सवाल पूछूंगा। महासचिव चंपत राय जी का कहना है कि 22 जनवरी 2024 का दिन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 15 अगस्त 1947। तो मैं चंपत राय की बात सुनता नहीं। और दिन को लेकर, अच्छा दिन को लेकर तो कुछ बता दीजिए कि वो दिन आपके हिसाब से कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, मंदिर का निर्माण हो रहा है, मेरी शुभकामनाएं, और क्या कहूंगा। एक आखिरी सवाल कर्नाटक को लेकर, सिद्धरमैया जो है उन्होंने कहा है कि अब हिजाब वहां पर पहनना, मतलब उस पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, तो आप इसे पॉलिटिकली कैसे देखते हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव भी है? ये संवैधानिक दृष्टि से सही निर्णय है, आजादी दी गई है लोगों को रहन सहन और पहनावे को लेकर, खान पान को लेकर। अगर इस तरह की बंदिशें लगाई जाएंगी तो एक इमरजेंसी जैसे हालात हो जाते हैं। उनको आजादी है, वो जो मानते हैं उसको उसका पालन करें। थैंक यू। मैं ये नहीं कह रहा